नमस्कार। कुंभ राशि पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। कुंभ राशि इस समय एक बहुत महत्वपूर्ण राशि के रूप में जानी जा रही है, क्योंकि वर्ष 2023, 24 और 25 में मार्च 2025 तक कुंभ राशि शस योग बना करके शनि इनको विभूषित कर रहे हैं और साथ ही बृहस्पति इनकी इनकम को रोज बढ़ाते हैं और इनके द्वितीय भाव में राहु इस समय गोचर कर रहे हैं। अष्टम राहु पेट का रोग, परेशानी, तनाव, चिंता, चोट आदि का भय, पैरों में कष्ट, इस टाइप की छोटी छोटी बातें सामने आएंगी। लेकिन गोचर को देखते हुए अभी इनका मंगल इनको प्रतापी, दूर दूर तक प्रसिद्धि, मान सम्मान तथा प्रतिष्ठा, नौकरी में प्रमोशन भी योग बनाता है। कुंभ राशि के लिए ये सिर्फ गोचर है और निर्धारण करने वाली जो महादशाएं हैं वो अलग फल देती हैं। फिलहाल गोचर की बात करते हैं। अगले दो महीने और भी अच्छे अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। 27 दिसंबर को मंगल आपकी कुंडली में, आपके गोचर में, आपकी राशि से लाभ स्थान में आएंगे। तो लाभ स्थान में आएंगे तो आपको धन देंगे, प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे और आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे, क्योंकि आपके पराक्रम और दशम भाव का स्वामी मंगल जब उच्चाभिलाषी होकर धनु राशि में होगा और बृहस्पति की उस पर दृष्टि होगी तो वो पुष्ट, बलिष्ठ, मजबूत होगा। मकर राशि और कुंभ राशि, इनको शनि दो राशियों में से कुंभ को ज्यादा बल देता है। यही कारण है कि कुंभ राशि के लग्न में शनि विराजमान है, तो अब कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता इनका, क्योंकि घर में जब स्वामी बैठा हुआ हो मजबूत स्थिति में तो दाएं बाएं इर्द गिर्द के छोटे मोटे ग्रह इनकी तरफ कुदृष्टि से नहीं देख पाते। राहु इनको कुछ कष्ट नहीं देगा, लेकिन पेट का रोग उत्पन्न करने वाला केतु अष्टम भाव में, क्योंकि शनि की उस पर दृष्टि नहीं है। और बृहस्पति कुंभ राशि के लिए जब चतुर्थ भाव में 2024 में आएगा तो इनको नौकरी, व्यापार, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, प्रमोशन जो वेटिंग में है बहुत दिनों से कि हमारा प्रमोशन कब आएगा, उनका लिस्ट में नाम होगा मई के बाद। इसके अलावा जिनकी नौकरी नहीं मिल रही है वो प्रयास करेंगे तो 2024 में उनको नौकरी के योग बनेंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि नौकरी स्थान पर, बृहस्पति की भी दृष्टि वहां होगी, तो ये एक अच्छा साइन माना जाएगा। राहु की दृष्टि भी वहां पर होगी, इसलिए और भी अच्छे अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो गोचर दृष्टि से राहु, बृहस्पति, शनि और मंगल गोचर में यदा कदा जब भी आएगा, क्योंकि इनके लिए योग कारक कहा गया मंगल दशम और तीसरे स्थान का स्वामी, इसलिए लाभ देगा ही देगा, उसकी मजबूरी है लाभ देना। बृहस्पति शुभ फल परिणाम देंगे। अब हम महादशाओं की बात करते हैं। तीन नक्षत्रों से मिलकर के कुंभ राशि बनी है। धनिष्ठा नक्षत्र दो चरण, शतभिषा नक्षत्र चार चरण और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के तीन चरण, तीन चार सात और दो नौ, नौ चरण होते हैं। अब जवान जो युवा वर्ग है उन्हीं की बात करते हैं, क्योंकि आज युवा वर्ग बहुत परेशान है। कुंभ राशि वालों को एंग्जाइटी, चिंता, तनाव तथा अनिश्चितताओं का दौर जो चल रहा है उस पर मैं विराम लगाने की कोशिश करूंगा। आप ध्यान से सुनिए। देखिए, जो कुंडली का अध्ययन करना जानते हैं, जिनको ये पता है मेरा ये नक्षत्र है, जिनको ये पता है ये मेरी महादशा चल रही है, सिर्फ वो बात सुने। अन्यथा जो लोग सिर्फ नाम रखा है, मेरा नाम तो ये है, ये कुंभ राशि है, कुंडली हमें मालूम नहीं, वो ना इस वीडियो को सुने, नहीं तो वो कंफ्यूज रहेंगे हमेशा। सिर्फ पढ़े लिखे लोग, दोज पीपल नोज वेरी वेल अबाउट देयर होरोस्कोप, व्हाट इज नक्षत्र, व्हाट इज लग्न एंड विच दशा इज रनिंग राइट नाउ। तो जो जानते हैं
अपनी महादशाओं के विषय में उन पर हम बात कर रहे हैं। तो जो युवा वर्ग है, जो जवान लड़के हैं अभी, उनकी कुंडली में अगर धनिष्ठा नक्षत्र के बाद के दो चरण हैं, तो अब वो 20 वर्ष से ऊपर की उम्र रखते हैं, 21 साल से ऊपर हैं, तो उनकी कुंडली में आंख बंद करके आप समझिए बृहस्पति की दशा चल रही है, और ये 37 ईयर तक चलेगी, लगभग 35 या 37 और 35 ईयर तक चलेगी। यही दशा आपको धार्मिक बनाएगी, यही पूजा पाठ में मन लगाएगी, यही नौकरी व्यापार प्रतिष्ठा तथा आपकी विद्या अध्ययन में लाभ देगी। डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में बृहस्पति कहाँ है, ये आपकी कुंडली ही निर्धारित करेगी, हमारे खुद के बोलने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ हम आकलन कर सकते हैं। तो 37 के बाद 56 साल की उम्र तक आपकी कुंडली में शनि की महादशा आपको राजा महाराजाओं की तरह सुख प्रदान करने वाली होगी। सिर्फ सिंह और कन्या और कर्क लग्न की बात नहीं कर रहे हैं, बाकी जो लग्न है मेष वृष मिथुन तुला वृश्चिक धन मकर कुंभ मीन, सब लग्नों के लिए राजा महाराजाओं की तरह सुख प्रदान करने वाली दशा होगी। अब आइए दूसरा नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र, राहु का नक्षत्र है। 18 वर्ष तक राहु की महादशा रहती है, लेकिन अब जो युवा वर्ग होंगे लगभग 34 साल तक उनकी बृहस्पति की दशा रह सकती है। डिपेंड करता है कौन से चरण में जन्म हुआ, आपके जन्म के समय राहु की जितनी महादशा थी उसमें 16 जोड़िए, 16 जोड़ने के बाद आपकी बृहस्पति की दशा आपको शुभ फल देगी। ये शतभिषा नक्षत्र का फल मैं बता रहा हूं आपको। और जब शनि की महादशा आएगी, शतभिषा नक्षत्र वाले शरीर बलिष्ठ हष्ट पुष्ट और वजन उनका धीरे धीरे बढ़ता, शनि भारी बनाता है मनुष्य को, शनि की महादशा में शतभिषा नक्षत्र वाले मोटे हो जाते हैं। उसके बाद ये प्रभावशाली होते हैं, कड़क आवाज, हाँ बोलिए क्या बात है, ऐसी आवाज उनकी होती है, तो प्रभावशाली होते हैं, दूसरों पर अपनी छाप छोड़ते हैं, फालतू इधर उधर की बात में मन नहीं लगाते, और इनका दाएं बाएं इर्द गिर्द यत्र तत्र सर्वत्र प्रसिद्धि मान सम्मान प्रतिष्ठा, सब लोग इनको माननीय व्यक्ति के रूप में रेस्पेक्ट देते हैं। उसके बाद बृहस्पति शनि बुध की महादशा में चिंताएं अशांति तनाव ये सब रहता है, केतु भी कष्ट देता है, लेकिन शुक्र की महादशा में अंतिम जीवन के अंतिम समय में उनको बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन लाभ मिलता है, सम्मान मिलता है। अब आता है पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की महादशा जन्म के समय बृहस्पति की, फिर जब वो जवान हो जाते हैं, युवा वर्ग जो मेरी बात वीडियो सुन रहे हैं, लगभग ये लोग 30-31 साल की एज तक के लोग, उनको अगर ये मालूम है कि उनकी कुंडली में कौन सी दशा है, तो मैं बताना चाहूंगा उनकी शनि की महादशा इस समय चल रही है। और अगर किसी का चतुर्थ तीसरे चरण में जन्म है, तो मात्र 18-19 साल तक आपकी बृहस्पति की दशा समाप्त हो जाएगी। चरण के अनुसार दशा अलॉटमेंट होती है आपको जन्म के समय। अब उसके बाद शनि की महादशा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के लिए वरदान बन जाती है। सिर्फ कर्क सिंह और कन्या लग्न को छोड़ करके, क्योंकि उनके लिए शनि रोग कारक कष्ट कारक बीमारी परेशानी तनाव चिंता और एंजाइटी गुस्सा कुछ बाधा डालता है, लेकिन बाकी लग्नों के लिए मेष वृष मिथुन तुला वृश्चिक धन मकर कुंभ मीन के लिए राजा महाराजाओं की तरह सुख प्रदान करने वाली दशा रहती है। वही बात है कि लगभग 36 साल के बाद बुध की महादशा आती है इनकी, वो बुध की दशा इनके लिए शुभ रहती है, और
बुध में ज्ञान विज्ञान कला कौशल तरक्की टेक्नोलॉजी तथा बड़े बड़े पद प्रतिष्ठा का लाभ मिलता है और ऐसे व्यक्ति बहुत संभल करके चलते हैं और बुद्धिमान होते हैं, विचारशील विवेकपूर्ण कार्य करते हैं। केतु की दशा कष्ट प्राप्त, केतु की दशा में कष्ट प्राप्त होता है, पेट के रोग, इन्फेक्शन, बीमारी, तनाव, आंखों की बीमारी तथा शुक्र की महादशा में राजसी ठाठ बाट और वैभव समस्त सुखों का लाभ इनको मिलता है। गाय भैंस का दूध पीने को मिलता है, सोना चांदी अच्छे वस्त्र तथा माननीय व्यक्ति के रूप में आप अपनी पहचान समाज में बनाते हैं। आपकी संतानें बहुत तरक्की करती हैं और आपकी तर्क शक्ति बहुत तेज होती है, फालतू बोलना पसंद नहीं होता आपको, आपकी कड़क आवाज तथा प्रभावशाली व्यक्तित्व ही आपकी समाज में अच्छी पहचान बनाता है तथा आपको आदरणीय माननीय बनाता है। बहुत सारे लोग आपकी बातों का अनुकरण और अनुसरण भी करते हैं। ये पूर्वाभास नक्षत्र की बात मैंने कही। तो कुंभ राशि वाले अपने आप को हल्के में ना लें, ये बहुत बलिष्ठ मजबूत हष्टपुष्ट तथा 2024 आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटी लाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मेरी तरफ से कुंभ राशि वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।